नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं पारसेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अपने कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए याद किए जाएंगे। उन्होंने भारतीय राजनीति को न सिर्फ नई दिशा दी बल्कि सामाजिक परिवर्तन की इबारत भी लिखी। उन्होंने महिलाओं को सियासत में भागीदारी दिलाने के लिए निरंतर आवाज बुलंद किया। इटावा के सेफई में किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह यादव अखाड़े में दाव लगाते लगाते सियासी फलक पर छा गए। 24 फरवरी वर्ष 1954 में मात्र 15 वर्ष की आयु में समाजवादी के शिखर पुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर नहर रेंट आंदोलन में पहली बार जेल गए। वह के कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर करने के बाद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बने। फिर त्याग पत्र दिया और अपने गुरु चौधरी नत्थू सिंह की परंपरागत विधानसभा सीट जसवंत नगर से 1967 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से उनके न रहने पर भी लोग याद करेंगे। अपने राजनीतिक सफर में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के हित की अगुवाई कर अपनी पुख्ता राजनीतिक जमीन तैयार की। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए जिसके लिए वह हमेशा से याद किए जाएंगे। वह 3 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक, दूसरी बार 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक और तीसरी बार 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक मुख्यमंत्री रहे। वह 1 जून 1996 से 98 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। पहली बार 1967 में विधायक बने। फिर 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993 और 1996 में विधायक बने। फिर उपचुनाव में 2004 से 2007 तक विधायक रहे। लोकसभा सदस्य के रूप में 1996 में मैनपुरी, 1998 में संभल, 1999 में संभल से रहे। 2004 में मैनपुरी से चुने गए लेकिन इस्तीफा दे दिया। फिर 2009 में मैनपुरी, 2014 में आजमगढ़ और 2019 में मैनपुरी में सांसद चुने गए। 1992 में सपा का गठन किया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वही जानकारी 2017 तक इस पद पर रहे। इसके बाद इन्हें संरक्षक बना दिया गया। राजुरा तालुका के अहेरी में ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा और किसी अन्य पार्टी के बीच कोई आधिकारिक गठबंधन नहीं है, फिर भी भाजपा ने बिना अनुमति के चुनाव प्रचार बैनर पर वंचित के बाला साहेब आम्बेडकर और भाजपा नेताओं की तस्वीरें छापी है जिससे लोगों और मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इस सब के चलते जनता और मतदाताओं में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। चंद्रपुर जिला वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष भूषण फुसे ने राजुरा थाना और चुनाव अधिकारियों से शिकायत की है। इसमें मांग की गई है कि जनता में भ्रम फैलाने वालों को और बैनर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फुसे ने कहा है कि वर्तमान में वंचित बहुजन आघाड़ी की लोकप्रियता जिले में बढ़ती जा रही है। बहुजन समाज के कई कार्यकर्ता और नागरिक पार्टी में शामिल हो रहे हैं और स्थापित लोगों को झटका दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने वंचितों के स्थानीय कार्यकर्ताओं का हाथ पकड़कर उन्हें पैसों का लालच देकर रंगदारी की राजनीति शुरू कर दी है। वंचित भूषण फुसे के जिलाध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि यह सब भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों ने जिला पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पूर्व विधायक संजय धोटे के इशारे पर कर रहा है। भूषण फुसे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस भगदड़ की राजनीति में पीछे नहीं रही है और राजुरा से कांग्रेस विधायक सुभाष धोटे ने भी ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को लुभाने के लिए वंचितों के कार्यकर्ताओं को पैसे का लालच दिया है और कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा किया है। अनेक तालुका में ग्राम पंचायत निवडणूक शुरू है, ऐसे स्थिति में राजुरा तालुका में अहेरी ग्राम पंचायत में वंचित बहुजन आघाड़ी की भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी अधिकृत युति न होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
पालक मंत्री तथा माजी आमदार एडवोकेट घोटे इनके कहने पर अहेरी गांव के भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक कार्यकर्ताओं ने और वहां के नेताओं ने एक ऐसा बैनर लगाया है जिसमें ये लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की युति है। साथ में उसी बैनर पर एक साइड में हंसराज भैया अहिर, सुधीर भाव मुनगंटीवार, माजी आमदार एडवोकेट घोटे साहब और दूसरे बाजू में वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाळासाहेब आंबेडकर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 2019 के विधानसभा उम्मीदवार बोधरू पाटिल जुमना के इनका फोटो है। ये बैनर बनाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी से कोई भी परवानगी ली नहीं गई, हमें इसके बारे में बताया भी नहीं गया और ये बैनर लगा के भारतीय जनता पार्टी ने वंचित बहुजन आघाड़ी के स्थानिक, तालुका और जिला पदाधिकारी का अपमान करने का ये षड्यंत्र किया है। इसकी वजह से हमारी बदनामी हुई है और हम ये सारी घटना का निषेध करते हैं। काफ़ी जगहों पर कांग्रेस के स्थानिक आमदार, विद्यमान आमदार श्री सुभाष धोटे जी, इन्होंने भी हमारे अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को विविध प्रकार के आमिष दिखाकर, लालच देकर थोड़ा फोड़ी का राजकारण किया है। हम ये दोनों ही प्रस्तावित पक्षों के राजकारण की निंदा करते हैं और निवडणूक आयोग से ये मांग करते हैं कि ऐसे गलत व्यवहारों को, ऐसे षड्यंत्रों को पूरा उसका आप सखोली से उसका निरीक्षण करके कायदेशीर कार्रवाई उस पर होना चाहिए।